नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पंचायत कार्यालय पहुंची मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख क्षमा परवीन। पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर जिला पंचायत अध्यक्षा शलिता सिंह को सौंपा इस्तीफा। पंडित नगला में खुले में शौच से मुक्ति को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे मुख्य अतिथि। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। पंप मालिकों को हेलमेट के बिना दोपहिया वाहनों को पेट्रोल न देने के दिए निर्देश। लाइन पार में मोदी फैन फेस्ट मेले का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री रहे मुख्य अतिथि। शुक्रवार को कचहरी स्थित जिला पंचायत में मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख क्षमा परवी ने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा जिला पंचायत अध्यक्षा को सौंपा। आज मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख क्षमा परवीन कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत कार्यालय पहुंची। ब्लॉक प्रमुख क्षमा परवीन ने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए ब्लॉक प्रमुख पद पर आसीन रहने के लिए असमर्थता जताई। साथ ही अपना इस्तीफा जिला पंचायत अध्यक्षा शलिता सिंह को सौंपा। शलिता, ये क्षमा परवीन जो है, इन्होंने ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद से अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से इन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो कार्य जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपनी सहमति के हिसाब से उन्होंने अपना त्याग। नगर निगम की ओर से पंडित नगला में प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू पहुंचे और खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से पंडित नगला के प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू पहुंचे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल व संचालन नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी। अब देखिए कि हम लोग इतनी संकल्प के साथ बैठे हैं, इस समय तक आके काफी गर्मी हो जाती है, आदमी बैठ नहीं पाता है, लेकिन मालिक भी बड़ा पसंद है। इतना महान कार्य कर रहे हैं, माहौल को भी खुशुमा बना दिया है। क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे आदमी हम लोग तो पसीना होता रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, बातें करने का मन नहीं होता है, लेकिन जब अच्छी भावना के साथ कार्य करने लगते हैं, ऊपर वाले भी ये पूरा वातावरण को बदल देते हैं। इसलिए सारे महापुरुषों ने कहा कि जब दिल में अच्छी भावना के साथ आदमी निकलता है, उनका भी भला होना है और सारे चारों ओर का वातावरण भी ठीक हो जाता है। बिना सही भावना के ना स्वयं ठीक हो सकता है, ना उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इस मालिक की रचना का जो नियम है, आदमी समझ नहीं पाता। सारा दुर्भाग्य इसमें है कि आदमी इस विज्ञान को समझता ही नहीं है। बड़ा आदमी और पैसा बनाने में लगा हुआ है, इधर गाड़ी, उधर बंगला, इधर बैंक में पैसा, उस बैंक में पैसा, अपना जीवन को ये बर्बाद कर रहा है। गरीब आदमी अज्ञानता में तरह तरह की गंदगी, उनकी अज्ञानता, उसको कहा क्या जाए। बहुत बार तो उन लोगों को सुनने की क्षमता भी नहीं है और समझने की भी क्षमता भी नहीं है। एक वर्ग तो अज्ञानता में तमाम आपस में झगड़े, गलत आदतें, शराब पीना, गुटखा खाना, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेना, आपसी झगड़ा कर लेना, गंदगी, ये अपनी समस्या में ये उलझे हुए हैं। ये व्यक्ति दूसरा ये उलझे हुए हैं। इसलिए हमारे समाज को तमाम समस्या उनसे जूझना पड़ रहा है। एक ये बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट है सब लोगों को जोड़ते हुए कि अपने अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम लोग ये पवित्र रमजान महीने में गुजर रहे हैं। महापुरुष लोग बड़ी सोच समझ के कुछ विधान का प्रकृति के नियमों के अनुसार ऐसी व्यवहार, कार्य, आचरण समाज में लाने के लिए प्रयास करते हैं। मोहम्मद साहब ने बड़ी गहराई से समझ के कि आदमी रोजमर्रा जिंदगी, रोज आदमी खाने के बारे में चिंता करता रहता है, क्या खाएं क्या पिए, इसी में लगा रहता है।
हालांकि आदमी का जीवन केवल खाने पीने और यहाँ की भोगों के लिए नहीं है, शरीर बड़े भाग्य से मिला, इसकी बड़ी महिमा गाई गई, महापुरुषों ने कहा है, बड़ा भाग मानुष तन पावा सुरु दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, पाइनो जही परलोक समारा से सिर धुन धुन पचतावई, कावही कर्म ही ईश्वर ही विद्या दोष लगावई। यह आदमी का जीवन बड़े महान उद्देश्य के लिए मिला है। बहुत बार यह आदमी इस मानव तन में आने से पहले बहुत सारी योनियों में चक्कर काट के घूम घूम के भगवान बड़ी कृपा करके मानव शरीर देता है, लेकिन आदमी इसको बकवास चीजों में, बेकार चीजों में गंवाता है। इस जीवन के अर्थ समझने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि रोजा रखिए, सब्र करो। सारे महापुरुषों ने उपवास रखना, व्रत रखना, ये खान पान इसी में उलझे रहेंगे, कुछ और महान उद्देश्य को समझना है। एक तो खान पान में संयम बरतना ही नहीं है, सुनने में, देखने में, बोलने में, विचार करने में, इन सब में पवित्रता लानी है। आप क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, इन सब में रोजा लगानी है। केवल खान पान तो ये पहली चीज है, बाकी चीजों में भी क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ताकि आदमी के अंदर विवेक जाग जाए, पूरी समाज को भी और पर्यावरण को भी आदमी समझे। समाज की उद्धार कैसे होता है, आदमी का जीवन का उद्धार कैसे होता है, हमारे शास्त्रों में यमधर्मराज जी नीति समझाते हुए बोलते हैं, ब्रह्मयज्ञम देवम युद्धम विदित्वा निचाह्य इमाम शांतिम अत्यंतमेति। उन्होंने कहा कि इस कुदरती नियमों को जो रोशनी है कुदरती की, उस रोशनी की कार्य करने की तरकीब समझ के और उसके अनुसार आदमी चलने लगता है, उसके जीवन में शांति, सुख, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती है। इन कुदरती नियमों को हमको समझना पड़ेगा। जो विज्ञान उपज रहा है, विज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ये भी हमारे भाई लोगों ने बड़ी रिसर्च करके, विज्ञान करने वाले भी वो भी हमारे भाई है, वो रिसर्च करके वर्तमान की समस्याओं से निदान के लिए तमाम बातें निकालते हैं। खुले में शौच करने से कितनी बीमारियां होती है, अनगिनत बीमारियां हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे शौच के 1 ग्राम में 1 करोड़ वायरस है, ये रिसर्च है। 10 लाख बैक्टीरिया, अनगिनत फंगस और तरह दुनिया भर की बीमारी उत्पन्न करने वाली उसके अंदर कीटाणु है। इसको बंद करना पड़ेगा। हमसे गरीब देश हमसे आगे निकल गए इसका इस मामले में। हमारे चारों ओर बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये भी इसको पार कर गया है, लेकिन हम लोग अभी ठीक से इसको जागे नहीं। अभी ये जो पढ़ के सुना रहे थे कि पूरी दुनिया का 50% लोग जो बाहर में खुले में शौच करते हैं वो हमारे देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इस मुद्दे को उठाया, भले मंदिर बने, मस्जिद बने ना बने, लेकिन हम शौचालय बने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री इतनी दुनिया में जाते हैं, उनको यह एहसास हुआ कि बाकी लोग तो मजाक करते हैं कि भाई आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके देश के लोग बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं का चलाने की दक्षता रखते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तरह तरह के वैज्ञानिक क्षेत्रों में हमारे भारत के लोग बड़े महारत हासिल किए हैं, लेकिन खुले में सोच करके तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतने लोग बीमारियों से गुजर रहे हैं, उससे मुक्ति नहीं दिला पाए। ये हम लोगों को, वो तो बाहर को वाले तो हमारी देश की शान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप तो अपने थकीनों के बारे में तो आप लोग जोर रोज एहसास करते होंगे, इतनी बीमारियां हो रहे होंगे आपके घरों में, ये सब आपको पता नहीं क्यों होता है। आप लोग सोच रहे हैं ऊपर वाले कर रहे हैं, ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहा है। हम स्वयं अपने को ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर वाले क्या करेंगे। हम लोग अपनी जो बैक्टीरिया, वायरस, क्योंकि कुछ तो आंखों को दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता है, और गंदगी से इतना इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको तो दवा खानी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, और सही दवा सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप मौत तक पहुंच सकते हैं।
जागरूकता कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नगर आयुक्त व महापौर ने गांव के एक किसान के घर जाकर शौच निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर कार्य शुरू करवाया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर घर को के अंदर शौचालय हो, पूरा मुरादाबाद महानगर शौच मुक्त हो, इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है और 4,000 रुपये भारत सरकार के द्वारा, 4,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसके तहत 8,000 में शौचालय और ये टैंक, इसके लिए कार्य शुरू करा दिया गया है। 8,300 घर अभी चिन्हित किए गए हैं, ये 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर इन जगहों पर हर हालत में शौचालय बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसी के लिए हमारे साथ पूरे शहर की जनता और पूरी आवाम हमारे साथ है और हम इस काम को करके रहेंगे। आज इस पंडित नगला गांव में आकर के मंडलायुक्त महोदय ने भी और पूरी नगर निगम की टीम ने एक अभियान शुरू किया है और उसी अभियान के अंतर्गत हमारे जो कल्याण जी जिनका ये घर है उसमें आकर के सांकेतिक रूप से हमने ये गड्ढा खोदने का काम शुरू किया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम प्रेरणा देना चाहते हैं, पैसा अगर सरकार ना भी दे तो भी इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि हम अपने संसाधनों से ना बना सकें। जो मजदूरी करने वाला आम आदमी है वो भी मजदूरी एक दिन की छोड़ दे और अपने घर में गड्ढा खोद करके शौचालय का निर्माण शुरू करे। अभी हमने 4,000 रुपये की पहली किस्त इन सभी लोगों को मुक्त की है और इन सबके खातों में पैसा जाने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि पैसे हम दे रहे हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं भी मिलता है तो भी हमें अपनी मानसिकता ये छोड़नी पड़ेगी कि हम खुले में शौच में जाएँ। ये बहुत ही शर्मनाक है और आज हमारी माताएं और बहनें जो कार्यक्रम में आई थीं उन्होंने कसम खाई है कि हम सबसे पहले शौचालय बनाएंगे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर आए, सांकेतिक रूप से हमने इसका शुरुआत किया। पंडित नगला क्षेत्र में कितने परिवारों को चिन्हित किया गया? पंडित नगला क्षेत्र में लगभग 240-245 के करीब परिवार चिन्हित किए गए हैं जो कि खुले में शौच जाते हैं और उनके घर में शौचालय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है, पैसा भी है और सामर्थ्य भी है कि वो बना सकते हैं। जैसे इस घर को आप देख रहे हैं, पक्का मकान बना हुआ है, इतनी खाली जमीन पड़ी हुई है और घर के आगे खड़ंजा लगा हुआ है, मतलब पक्की इंटरलॉकिंग ब्रिक्स से सड़क बनी हुई है, लेकिन ये मानसिकता की बात है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमको खुले में शौच में जाने में शर्म आती है। आज उनको पहली बार एहसास हुआ है तो अभी शौचालय बनाएंगे। इस मौके पर चीफ इंजीनियर, नगर निगम पर्यावरण अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंप स्वामियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को आदेश दिए गए कि 1 जुलाई से सभी पेट्रोल पंपों पर सिर्फ उन्हीं 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल डाला जाए जो हेलमेट पहनकर आए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप स्वामियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को आदेश दिए गए कि 1 जुलाई से सभी पेट्रोल पंपों पर सिर्फ उन्हीं 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल डाला जाएगा जो बाइक सवार हेलमेट पहनकर आएंगे। जिन वाहन चालकों पर हेलमेट नहीं होगा उन वाहन चालकों की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा। अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने वाहनों पर पेट्रोल डाला गया तो उस पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये बैठक आहूत की गई थी बेसिकली यातायात को ध्यान में रखते हुए, लोग जो है 2 पहिया वाहनों से एक्सीडेंट की घटनाएं काफ़ी जो है होती रहती हैं, तो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की गई कि इसमें जो है लोगों को ये बताया जाए कि जब भी लोग तेल लेने आते हैं पेट्रोल पंप पे तो उनको जो है हेलमेट के प्रति जागरूक किया जाए और उनको ये सुनिश्चित किया जाए कि वो हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसके लिए जो है वो डीलर्स एसोसिएशन ने यह कहा कि वो ऑलरेडी जो है इसके लिए एक जागरूकता बैनर तैयार करेंगे, पेट्रोल पंप पे लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे और उनकी ओर से एक अपील भी की जाएगी कि 1 जुलाई से अगर कोई बिना हेलमेट लगाए आता है तो उसको हम पेट्रोल नहीं देंगे, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाना ज़रूरी है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। ये मीटिंग बेसिकली पेट्रोल पंप डीलर्स की हम लोगों ने बुलाई थी,
इसमें ट्रैफिक यातायात सप्ताह भी चल रहा है, तो ये जो दो पहिया वाहन वाले जो लोग चलते हैं इनको अब देखने में आया है कि इनकी एक्सीडेंट की स्थिति में हेड इंजरी से जो लोग ज़्यादा डेथ होती हैं, कई उल्टी होती हैं। तो हम लोगों ने पब्लिक को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पंप ओनर से रिक्वेस्ट की है कि वो उन लोगों को जो हेलमेट नहीं पहन के आते हैं उनको तेल नहीं देंगे, और एक तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे कि वो हेलमेट पहन के आएँ और तब उनको तेल मिलेगा। इसमें कोशिशें की जा रही है, अगर सहमति बनी तो उनको कुछ हम लोग कुछ छूट भी देंगे कि पेट्रोल के कीमत में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ छूट दी जाएगी, तो इसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। और मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के जब कोई घर में डेथ होती है एक्सीडेंट से, बेटा किसी के जाता है, पिता जाता है, परिवार को किया जाता है, तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो सोसाइटी को हम लोग चाहते हैं कि घटनाएँ ना हो, परिवार ना हमारे बर्बाद हों सोसाइटी के, इसलिए हमारा पुलिस का, प्रशासन का, हमारी सरकार का सबका लक्ष्य है कि हम लोग सबको यातायात के बारे में जागरूक करें और एक तरीके से हम परिवारों को बर्बाद होने से बचाएं। इस मौके पर एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार, ARO SP शाक्या आदि कई अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस पहुंचकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो व्यू है, सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास में सारे लोग मिलकर के एक साथ है उत्तर प्रदेश के हम आम लोगों को वो सुविधा पहुँचाएँ, यही से बारे में समीक्षा किया हुआ। समाज कल्याण विभाग की ओर से क्या नई योजनाएं हैं आपके आपके द्वारा, BJP सरकार की क्या नई योजनाएं हैं? हमारी योजना है कि हर छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाए जो उसके पात्र हैं, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिल जाए जो उसके पात्र हैं, शादी विवाह में जो गरीब आदमी है उनको उनकी सुविधा मिल जाए, पारिवारिक लाभ में जो उसके पात्र हैं उनको लाभ मिल जाए, इसके बारे में बैठकर समीक्षा हमने किया है और समीक्षा में सारे अधिकारी इस काम को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। समाज कल्याण विभाग में आप मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग में क्या कुछ नया रहा है इस बार? 2 महीने हो चुके अभी, पिछले साल अभी हमने बताया कि पिछली सरकार ने 1 साल में लगभग 14 लाख लोगों को छात्रवृत्ति बांटा था और हम 1 महीने के अंदर 21 लाख लोगों को छात्रवृत्ति बांटा। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, योगी जी के सरकार की उपलब्धि है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री, क्या पिछली सरकार में जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था क्या उसकी आपकी सरकार जांच कराएगी? अगर कोई कंप्लेन देगा तो जरूर जाँच करेंगे। जो समाज कल्याण की जमीनों पर अधिकारी उसमें मिलकर के कब्जे हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसी जानकारी हमें नहीं है, अगर जानकारी आप दिलाएंगे तो मैं निश्चित जाँच कर लूँगी। मंत्री, क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट सरकार पे हावी है? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पे हावी होने क्या डिसीजन की, ब्यूरोक्रेसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ, दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, सब मिलकर के साथ काम कर रहे हैं, कोई किसी पे हावी नहीं है, सब एक साथ मिलकर के काम करने का योजना बना है। मंत्री जी, एक सवाल आपसे ये है कि BJP लगातार भ्रष्टाचार मुक्त समाज और खुले वातावरण की बात करती है, जबकि अभी अभी जो तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर मुरादाबाद में अपॉइंट मतलब तैनाती जिनकी की गई है, आगरा में उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तत्काल उनका निलंबन हुआ, उसके बाद उन्हें निदेशालय से अटैच किया गया, अब क्या कारण रहा कि उन्हें मुरादाबाद जैसा मुख्य मतलब प्रमुख मंडल दिया गया इस तैनाती की? हो सकता है कि जो जाँच वाँच हुई हो उसमें ठीक पाए गए होंगे तो कर दिया होगा। क्या माने इसको, जिस तरीके से अभी जाँच हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है, उसके बावजूद हमारे विभाग का मामला नहीं है, समाज कल्याण का क्या कहेंगे, मतलब ऐसे मामले बहुत से हैं, ऐसे मामले बहुत हैं जो मेरे संज्ञान में आएगा, मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा कार्रवाई करूंगा। एक नियमावली ये भी थी कि बहुत लंबे समय से जो कर्मचारी लगातार एक ही विभाग में काम कर रहे हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा ताकि नए लोग आए तो वो जो पुरानी मांग, अगर अच्छा काम कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और खराब काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफर ही नहीं, उसका कोई सलूशन है उसके लिए खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है कि जांच कराई जाए या कुछ किया जाए? हमें कंप्लेन मिलेगा तो निश्चित जांच होगी। मंत्री जी, इसके अलावा आपने अभी कहा 2 महीने हो गए, बड़ी उपलब्धि सिर्फ बजट बढ़ा के उन्हें लोग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी थी, क्या सिर्फ बजट बढ़ाकर ही उसे उपलब्धि माना जाए? नहीं, बजट तो ऑलरेडी है,
समय सीमा के अंदर लोग दे नहीं पाते हैं। हमने लोग व्यवस्था करके सारे लोगों साथी मिल करके और उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऑनलाइन व्यवस्था करा दिया है, ऑनलाइन वो फार्म भरेंगे, ऑनलाइन सत्यापन करेंगे और ऑनलाइन उनके खाते में पैसा जाएगा। सत्ता परिवर्तन हुआ, योजनाओं में परिवर्तन कहाँ क्यों नहीं पड़ता परिवर्तन हुआ? जब चाहे जिस जो चाहे जैसा फार्म भर के ले आता था अपने घर ले जाता था, हमने ऑनलाइन व्यवस्था करा दी, ऑनलाइन पैसा भेजना शुरू कर दिया परिवर्तन। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और है, महानगर में बीजेपी को ही ले लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, आपने भी कहा क्या कहें? महानगर अध्यक्ष बैठे हैं या भी सारे लोगों के साथ बैठे थे, हमारे विधायक जी बैठे हैं, नहीं सुनी जाती ऐसी कोई शिकायत नहीं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 3 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के लिए मोदी फेस्ट मेले का रामलीला ग्राउंड लाइन पार में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री शामिल रहे। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर शुक्रवार को स्थानीय भाजपा इकाई द्वारा 3 दिवसीय मोदी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। शहर के लाइन पार रामलीला मैदान में फेस्ट का उद्घाटन प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने फीता काटकर किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, जनधन योजना समेत कई योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। यही नहीं, फेस्ट स्थल पर विभिन्न स्टॉल लगाकर लोगों का योजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों को मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि जितने जनहित के कार्य मोदी सरकार ने इतने कम दिनों में किए हैं, उतने किसी ने नहीं किए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हर हाल में मोदी और योगी सरकार अपने वादे पूरे करेगी। हमने क्या किया है इसके बारे में काफी लोगों ने पढ़ा है, काफी लोगों ने सुना है, बहुत देर से बता रहे हैं, हमारी प्रदर्शनी लगी है, कल लोग करें। अभी मैं विधायक जी से, मैंने अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहा था, हमारे हाथ में तो योजनाएं इतनी है, 69 योजनाएं ऐसी हैं जो 3 साल में लागू कर दिया है, जो 70 साल में उनका लक्ष्य नहीं था, नहीं लागू कर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, चाहे जनधन योजना हो, प्रधान मंत्री जनधन योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो, मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, नीम कोटेड यूरिया का हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का बना हो, अटल पेंशन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, मेक इन इंडिया हो, अम्बेडकर जी के नाम पर अस्पति से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से घोषणा की बात हो, फसल बीमा योजना हो, नदी जोड़ो योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, डेयरी योजना हो, शिक्षित बनो योजना हो, मिशन इंद्रधनुष योजना हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, मेक इन इंडिया हो, खाद सब्सिडी, फूड पार्क, इससे इतना गिनाओ लो, आप लोग पढ़े लिखे हो इसलिए आपके बीच में गिनाने का मतलब होता है कि किसी क्या नाम है कि तो सूरज तप रहा हो और सूरज तपते हुए सामने उसको किसी प्रकार का रोशनी दिखाने जैसा हो। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, माताएं बहने हैं, बच्चे हैं, तो इंटरेस्ट लेते हैं। ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो 3 साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने किया था। उन्होंने कहा था, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जब तक सम्मान नहीं कर देता, जब तक उनको सारी सुविधा नहीं पहुंचा देता, और तब तक हम देश के विकास को अधूरा मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस नीचे थे तबके पर बैठे हुए व्यक्ति को ऊंचा लाने के लिए वो ये योजना बना रहे हैं मेरे बच्चों। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से हमारी किताबें छपी होगी, हमारी व्यवस्था होगी, इसके माध्यम से आदरणीय मोदी जी के योजनाओं को जो 3 साल में पूरा किया है, आने वाले 3 साल को हम तो और देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, भारत को आगे ले जा रहे हैं। आप दुनिया के देश के सामने, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी जाता था तो कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति से 1 मिनट के लिए समय मिल जाता था, 3 दिन टिकने के बाद 4 दिन तो आके यहाँ पीठ ठोकता था। तो मैं तो भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलकर आया हूँ, इतना छपाता था इश्तहार जिससे
विकास काम रुक जाता था, इस पार चपाते चपाते पैसा खर्च हो जाता था। अब मोदी जी के पीछे दुनिया के तमाम राष्ट्रपति घूम रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। हम दुनिया के नक्शे में नंबर एक पर आने वाले हैं, ये हमारी उपलब्धि है। अब अमेरिका हमसे सलाह लेने के लिए तैयार है, ये हमारी उपलब्धि है। पुतिन हमसे सलाह लेने के लिए तैयार है, ये हमारी उपलब्धि है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब डरने लगा है, ये हमारी उपस्थिति है। चाइना का राष्ट्रपति चरवाना, चाइना का प्रधानमंत्री भारत से सलाह लेने के लिए अब लाइन लगाने लगा है, ये हमारी उपलब्धि है, ये भारत की उपलब्धि है। हम पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं मेरे मित्रों, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो भगवान राम का पड़ोसी हूँ, भगवान राम का पड़ोसी होने के नाते मैं भगवान राम के आदर्श से आपको जोड़ना चाहता हूँ। भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट का राजसुख दे दिया गया, उनको अयोध्या का युवराज बनाने के लिए राजा दशरथ ने घोषणा कर दी। भगवान राम ने कहा मेरा तो जन्म राम राज चलाने के लिए हुआ था, अयोध्या का राजा बनने के लिए नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी माँ को तैयार किया, माँ मैं तो राम राज चलाना चाहता हूँ, मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। भगवान राम ने कहा अपने माँ से, तो माँ ने कहा मुझे क्या करना है, कहा मेरे लिए तुम्हें कलंक लेना है, मुझे लिए तुम्हें वनवास मांगना है, भरत के लिए राजगद्दी मांगना है। और जब तक हमारा वनवास नहीं होगा और जब तक मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, जब तक गरीबों के बीच में नहीं जाऊंगा, आदिवासी वनवासी जनजाति गिरवासी बंदर भालू आदिवासी शबरी निषाद गोराज सुग्रीव वंगत हनुमान जामवंत के पास नहीं जाऊंगा, तब तक राम राज्य नहीं ला पाऊंगा। इसलिए मुझे वहां जाना है, उनके साथ मिलना है। और फिर भगवान राम का वनवास हुआ तो गए आदिवासी, किसी राजा के घर नहीं गए, किसी सेनापति के घर नहीं गए, किसी महाराजा के घर नहीं गए, गए तो आदिवासी वनवासी जनजाति गिरवासी बंदर भालू सुग्रीव वंगत हनुमान शबरी वाल्मीकि निषाद राज इनके यहाँ गए, उनको बताया कि तुम अपनी हैसियत पहचानो, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो और तुम खड़े हो जाओ, और जब तुम्हारी शक्ति खड़ा हो जाएगा तो रावण जरूर मारा जाएगा, और जब रावण मारा जाएगा और तभी राम राज आएगा। ऐसा राम राज जहाँ दैहिक चिड़िया बनाना चाहते हैं हम, बच्चे हिंदुस्तान को पुनः उस स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं जहाँ दुनिया के देश हिंदुस्तान सर्वोच्च स्थान पे देख करके एक बार हिंदुस्तान के तरफ नतमस्तक होकर काम करें। उसी श्रेणी में उसी श्रृंखला में आज मुरादाबाद में मोदी फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां सबको पता है, लेकिन फिर भी वो उपलब्धियां नीचे तक जाएं, लोगों को मालूम हो क्या क्या उनके द्वारा उनके लिए किया जा रहा है। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित सब जगह पूरे देश में किए जा रहे हैं। आज मोदी सरकार की उपलब्धि के बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा आज हम लोगों को बताया जाएगा। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, के मिश्रा, मनमोहन सैनी, गिरीश वर्मा, नथुराम कश्यप, केपी सैनी, अनुपेंद्र सिंह, विजयपाल सैनी, नन्नू सिंह, राजीव गुप्ता, अरविंद सिंह, अनुराग सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल संभागीय परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी से मिला और एक ज्ञापन सौंप कर जाँच करने की मांग की। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद राधेश्याम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से मिला और संभागीय परिवहन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया है, उसमें संभागीय परिवहन अधिकारी का जो कार्यालय है वो दलालों का अड्डा बन कर रह गया है। वो आरटीओ का ऑफिस नहीं है, वो दलालों का ऑफिस है। वहाँ पर जो भी कार्य होता है दलालों के माध्यम से होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का बनना हो या ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल हो, चाहे रोड वो हो परमिट, ठीक। इसके अलावा जो भी आरटीओ कार्यालय से होते हैं काम, ठीक, वो सारे के सारे काम दलालों के माध्यम से होते हैं।
जो 200-300 रुपये का बनने वाला ड्राइविंग लाइसेंस उसके 2000 रुपये RTO ऑफिस में लिए जाते हैं। ये सब का कार्य संभागीय परिवहन अधिकारी के संरक्षण में हो रहा है। तो आपने DM साहब को ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया? DM साहब ने ये कहा है कि मैं एक हफ्ते के अंदर RTO से इस संबंध में रिपोर्ट लूँगा कि ये जो यहाँ पे ये एजेंट, ये दलाल RTO से बैठे हुए क्यों बैठे हुए, इनके खोके संभागीय परिवहन अधिकारी कैंपस कार्यालय के अंदर क्यों हैं, क्यों बैठते हैं ये, इनका काम क्या है वहाँ पे? अरे RTO ऑफिस का काम है जब वहाँ पे जो RTO ऑफिस के अंदर अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, DL बनवाना, रोड परमिट बनवाना, टैक्स जमा कराना, सारे कार्य विभाग के हैं, विभाग के अधिकारी कर्मचारी के हैं, ये काम वो अपने आप करें, ना कि वहाँ जो भी काम होता है एजेंटों के माध्यम से होता है वो काम तुरंत बंद हो और एजेंटों को तुरंत वहाँ से भगाया जाए। इस मौके पर कौशल, रोहित, मुरारी लाल आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, प्रतापगढ़। महानगर स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में माह रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अदा की गई। साथ ही महानगर की विभिन्न मस्जिदों में भी रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने अपनी और मुल्क की खुशहाली की दुआएं मांगी। किसानों की फसलों के उचित दाम मिलने की मांग को लेकर किसानों ने बिलारी में रोड जाम कर दिया, साथ ही एक ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों को फसलों का उचित मूल्य देने की मांग को लेकर आज पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुरादाबाद जनपद के बिलारी और छजलैट क्षेत्र में किसानों ने आज सड़कों पर उतरकर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी की। दोपहर बाद सड़कों पर उतरे किसानों ने आज मुरादाबाद आगरा हाईवे और मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर जाम लगाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिलारी थाना क्षेत्र में सड़कों पर उतरे किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और हाल ही में किसानों के खिलाफ हुई घटनाओं को शर्मनाक बताया। किसानों के आंदोलन के चलते पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे और रूट डायवर्जन कर वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा गया। हाईवे पर जाम लगाए किसानों ने केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन में किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को जल्द सुलझाने की मांग भी की है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का रेट तय हो, ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं शुरू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में वायदा किया था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव तय करेंगे। इसके अलावा कर्ज मुक्ति की भी मांग है और UP इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि UP में हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम पहली कैबिनेट में सभी किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई वायदा नहीं निभाया है। इस बात को लेकर कुछ लोग मध्य प्रदेश में किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पर वहाँ की सरकार ने गोली चलवा के 8 किसानों को शहीद कर दिया। तो प्रधानमंत्री वायदा खिलाफी कर रहे हैं, किसान अगर अपना हक मांगने जाते हैं तो उन पर गोली चलाई जा रही है, तो ये तो बर्दाश्त के लायक बात नहीं है। इसीलिए आज हम पूरे देश में 2 घंटे के लिए सांकेतिक हाईवे जाम पे हैं और अगर अब भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी 19 तारीख में नई दिल्ली में फिर से गांधी शांति प्रतिष्ठान में किसान महासंघ की बैठक है और उसमें विचार होगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भूमाफियाओं और कब्जा करने वालों का ये हाल है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। किसी ने स्कूल के अंदर तो किसी ने स्कूल की छत पर ही कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल के ऊपर 3 मंजिल तक निर्माण कर डाला और विभाग को पता तक नहीं। मुरादाबाद में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला मामला मुरादाबाद के मकबरा मोहल्ले में बने प्राथमिक स्कूल का है जिनके ऊपर एक परिवार ने 2 मंजिल और बना डाली बिना किसी परमिशन के। लेकिन जब स्कूल के ऊपर रहने वाले स्वामी से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो तो 50-60 सालों से रह रहे हैं, पहले उनके नाना इसमें रहते थे, अब वह इसमें रह रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए और मंजिल भी बनवा ली। लेकिन स्कूल के ऊपर रहने वाले की जानकारी तो विभाग को है लेकिन कोई निर्माण कार्य हो गया यह उनको नहीं मालूम। स्कूल पे खड़े हैं आप, स्कूल के ऊपर रहते हैं? जी। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पर? जी हम तो हमारे
फादर को मदर को रहते हुए तकरीबन 80-90 साल के करीब होगा। इससे पहले कौन कौन रहते थे इस मकान में? अब ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने जब आप खोलिए बचपन से तो इसी मकान में खोलिए, हमारे माँ बाप इसी मकान में ही रहे। अच्छा, चूँकि नीचे एक सरकारी स्कूल चल रहा है, ऊपर आप लोग रह रहे हैं, तो कभी कोई किसी ने आपत्ति उठाई सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग बढ़िया हुए हैं, कोई शिकायत नहीं है। एक 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 आपत्ति यह है कि आपने सरकारी बिल्डिंग के ऊपर अपना मकान बना लिया, क्या कोई इजाज़त थी आपके पास इसकी बनाने की? ये हमारे मामू के लड़कों ने बना रखा है, उन्हें परमिशन मिल चुकी है, परमिशन ले रखी है निगम से, तो उन्होंने उसका उसका बिहार से बना रखा है। अच्छा, कोई आपको अभी हाल में नोटिस वगैरह निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नोटिस मिला है? नहीं नहीं, मेरे तो इनमें कोई ऐसी नहीं है खबर नोटिस की। आप लोग इसका किराया देते हैं? जी हाँ। कहाँ जमा करते हैं किराया? नगर निगम म्यूनसिपलिटी में जमा करते हैं। किसी तरीके का कोई अधिकारी ने कोई आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया है? नहीं। अच्छा, स्कूल का रास्ता आपका रास्ता कैसे कैसे है? स्कूल का रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। कोई एक रास्ता दाएँ हाथ को, एक बाएँ हाथ को स्कूल का रास्ता है, बीच में हमारा फैमिली रास्ता घर का। किसी तरीके का स्कूल में आप में कोई व्यवधान नहीं होता बिल्कुल? ये दो स्कूल हैं, उसकी एक की बिल्डिंग के ऊपर लोग रह रहे हैं, एक के कमरा है, क्या परिषद की तरफ से रह रहे हैं, क्या मामला है ये? ऐसा है, जब 72 में बेसिक शिक्षा परिषद में जो स्कूल आए हैं उससे पहले से वहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए कोई ऐसे विभाग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हो या फिर क्यों रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं वो चीज़ें मेरे संज्ञान में इस समय तो नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले से रह रहे हैं, मेरी जानकारी में ही है। कोई विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? परिषद बनने से पहले से वो लोग रह रहे हैं, 72 से पहले से, इसलिए। मैम, उसमें जैसे एक मकबरा में स्कूल है, हाँ। उसमें उन्होंने उसके ऊपर एक बिल्डिंग नई बना ली है, तो वो तो अभी नई बनी हुई है, उसमें क्योंकि विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई? नई बिल्डिंग की तो मेरी जानकारी फंड के अधिकारी से आप जरा कर लीजिएगा, इस बात में जानकारी कर लीजिएगा। अच्छा, और दोनों स्कूल के एक सिविल लाइन में गांधी पार्क में है, वहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? लेकिन सिविल लाइन गांधी पार्क वाला भी जो वो स्वीपर रह रहे हैं, बहुत पहले से वहाँ रह रहे हैं, वो 72 से पहले से उनका कहना है, और जैसे मेरे संज्ञान में है इस वजह से वो उसे एक्सटेंशन के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, अनुमति उनको नहीं दी जाती है। फिर पिछले साल में कोई छप्पर पर डाल दिया था, वो शेड डाला था, उसको तुरंत हटवा दिया था, पर जो पुराना बना हुआ जिसमें रह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसे नहीं, जैसे गांधी पार्क में उनके घर का कोई एम्प्लॉय भी नहीं और वो स्कूल के कमरे में रह रहे हैं, तो ऐसे कैसे रह सकते हैं वो लोग? नहीं हो सकता, क्योंकि स्वीपर है, विभाग में पहले वो काम करते होंगे, इसलिए उस समय दिया गया होगा, उन्हीं के परिवार के लोग। तो अब तो उनके यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है? नहीं, एम्प्लॉय तो नहीं है, पर फिर भी विद्यालय की साफ सफाई वगैरह वही लोग करते हैं। दूसरा मामला सिविल लाइन्स के प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क का है। इस स्कूल के अंदर एक परिवार ने कब्जा कर रखा है, कमरे के अलावा पास में सुविधा के लिए एक और कमरा भी बनवा लिया। जब इनसे पूछा गया तो इनका जवाब था कि काफी साल पहले इनके दादा यहाँ चपरासी थे, वो तो मर गए, लेकिन इन्होंने अब तक कब्जा नहीं छोड़ा, बल्कि परेशानी होने पर बिना किसी परमिशन के निर्माण करा लिया। यहाँ तक काम करने के बाद ठेले भी स्कूल के अंदर ही खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी है, लेकिन उन्होंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका किराया नहीं, सफाई रहते हैं तो करते हैं, सफाई नहीं करे तो 10 बातें सुननी पड़ती हैं। उसी की एवज में रह रहे हो आप, यहाँ काम करते हो तो रह रहे हो? काम करते हैं तो रह रहे हैं, कुछ चौकीदार करते हैं, कोई चोरी हो जाती है, सब हम देखा वाली करते हैं। कोई पापा को डेथ हुए कितना टाइम हो गया? पापा को डेथ हुआ कम से कम 10 साल, 10 साल नहीं हुए, 7-8 साल हुए। क्या नाम था पापा का? छुट्टन। शुक्रवार को दीपंकर प्रियदर्शी ने विश्व हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की। दरअसल 15 जून को दीपंकर प्रियदर्शी के घर पर कुछ लोगों ने उनके परिजनों से मारपीट की थी, इसी मामले में कार्यवाही की मांग की जा रही है। दीपंकर प्रियदर्शी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की। प्रार्थी दीपांकर प्रियदर्शी ने कहा कि 15 जून को प्रार्थी की मां और बहन घर पर अकेली थी, तभी प्रार्थी के घर 2 महिलाएं व 5 अन्य लोग आए और आते ही प्रार्थी का नाम कहकर बोले कि वह कहां है। प्रार्थी की माता के पूछने पर बोले कि गेट खोलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्रार्थी की मां के गेट खोलने पर
प्रार्थी के घर में घुस आए और बोले कि तेरा बेटा कहाँ है, बहुत बड़ा नेता बनता है, और धमकी देने लगे। दरअसल कल कुछ लोग मेरे घर आकर के उन लोगों ने तोड़ा फोड़ी करी है और मेरे मम्मी को गन पॉइंट पे रख करके जान से मारने की मेरे को धमकी दी है। और 2 महीने पहले संभल जिले के अंदर मड़न गांव में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान उनके मामले में है सारा सब कुछ, उसमें हम सब लोगों ने पैरोगारी करी थी। उस पैरोगारी से बीच में से हटाने के लिए मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है और उसी प्रकरण में मेरे घर पर तोड़ा फोड़ी करी गई और मैं इसी चीज़ को लेकर के माननीय कप्तान साहब के पास आया हूँ। कप्तान जी यहाँ मौजूद नहीं है और उनके जो पेशगार्ड साहब हैं उनको मैंने ये ज्ञापन दिया है अपनी ओर से और मैं चाहता हूँ कि इसमें कानूनी कार्रवाई हो सख्त से सख्त और मेरे लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। शुक्रवार को जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में भावाध्वज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चर्चा की गई। विगत दिनों में दलितों के साथ हुई छुआछूत की घटनाओं को लेकर आज जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में भावाध्वज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने अमरोहा में दलितों के साथ हुई घटना की निंदा की। बैठक के दौरान भावाध्वज के राष्ट्रीय मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि जब तक छुआछूत की प्रथा खत्म नहीं होगी, देश व प्रदेश तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। इस दौरान आदेश कुमार एडवोकेट, सुनील कुमार, विशाल सरन, नवदीप सिंह भी मौजूद रहे। सब प्रथम तो मैं जो अमरोहा में रात 9 बजे एक जासारी बात को लेकर, बर्तन छूने की बात को लेकर जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ और साथ ही साथ मुरादाबाद और पूरे मंडल के आवाम से यह कहता हूँ कि ऐसी घटनाओं के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश मंडल और उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोकती हैं। आपस में भाईचारा बनाए रखें और मेरी सरकारों से, राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से ये अपील करना है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ना देके और जो छुआछूत का कोड है, जो जातिवाद है, जो ये तमाम कट्टरवादी लोग, ये सब लोग देखो पहले छुआछूत को ख़त्म कर दें, भेदभाव को ख़त्म कर दें। तो मेरा मानना ये है कि पूरा एक प्रदेश नहीं, पूरा देश तरक्की करेगा। जहाँ जहाँ छुआछूत नहीं है, जहाँ भेदभाव नहीं है, उन प्रांतों में प्रांत तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे पंजाब है, बंगलौर है, महाराष्ट्र है तमाम। लेकिन हमारा यूपी और बिहार ये जातिवाद को लेके और उसको नीच ऊंच को लेके छुआछूत करता है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश की तरक्की रुकती है, भाईचारा ख़त्म होता। हम चाहते हैं कि भाईचारे के जरिए और ये जो सरकार है ये एक अभियान चला के इस चीज़ को ख़त्म करें और आगे के ऐसे बलवाइयों पर, ऐसे छोटी छोटी घटनाओं पर अंकुश लगाएं। बरेली में बाईपास पर हुए भयानक हादसे में यूपी रोडवेज मुख्यालय ने सबक लिया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रोडवेज विभाग ने बसों में पीछे लगी ग्रिल और बैटरी के तारों को सही करने के आदेश दिए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आरएम अतुल जैन ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। वाहन में सुरक्षा के दृष्टिगत जो वर्तमान में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें यह है कि जो बैटरी है वो बैटरी बॉक्स में रखी हों, कहीं कोई बिजली से संबंधित कोई तार ढीला ना हो जिसमें स्पार्किंग हो सके, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना हो सके। बसों के टायर जो हैं एकदम घिसे हुए ना हों, जिससे कि बरसात के मौसम में ब्रेक मारने से गाड़ी स्लिप होने की स्थिति ना हो। बसों के पीछे जो ग्रिल लगी होती है वो ग्रिल को हम लोग हटवा रहे हैं और दोनों शीशों के बीच में एक हथौड़ी रखवाई जा रही है कि मान लीजिए कभी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे शीशा तोड़ के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये सब सुरक्षा के मेजरमेंट्स हम लोग ले रहे हैं। हर बस में अग्निशमन यंत्र का भी आदेश हम लोग को मिल चुका है तो हर बस में हम लोग अग्निशमन यंत्र भी लगवाए की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसको भी हम लोग 10 दिन में पूरा करेंगे। इसके अलावा चालकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि गाड़ी नियमित गति से चलाएँ, अनावश्यक रूप से ओवरटेकिंग ना करें और वाहन चलाते समय किसी भी परिस्थिति में मोबाइल से बात ना करें। यदि बात करनी है तो अपना मोबाइल परिचालक को दे दें या जहाँ कहीं बस खड़ी हो तब
बात करनी तो बात करें, चलती दशा में किसी दशा में यदि बात करते हुए पकड़े हुए पाए जाते हैं तो उनसे दंड स्वरूप 1,05,000 रुपये की कटौती की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। मौसम के बदलाव के चलते होने वाली बीमारियों के बचाव के बारे में विशेष जानकारी SS न्यूज श्री हलचल को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने दी। देखिए, ये जैसा कि आपको विदित है, इस समय मौसम जनित रोगों की बहुत आयत रहती है, और मौसम जनित रोग इसलिए कि वातावरण में तापमान परिवर्तन हो रहा है। तापमान परिवर्तन की वजह से वायरस बैक्टीरिया बहुत ग्रो करते हैं, और वायरस बैक्टीरिया में यूजली फ्लू, आर्थ्रेलजिया, बदन में दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम, इस तरह की परेशानी होती हैं। वो बुखार जिनको जिनमें बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो यूजली विषाणु जनित होते हैं, वायरल नेचर के होते हैं। वायरल फीवर्स का एक अपना सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रित नेचर होता है। इस नेचर के तहत 3-4 दिन में फीवर उतर जाता है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यदि बुखार है तो पैरास्टामोल की उचित मात्रा लें, बच्चों को हिसाब से डोज रेगुलेशन करें, एडल्ट्स को दें, और कम डोज भी नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि बुखार ना उतरे। अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, आपको लगातार जाड़े के साथ बुखार आ रहा है, तो आप अपनी टाइफाइड की जाँच करें। बहुत तेज़ जाड़ा लग के आ रहा है तो मलेरिया की जांच कराएं, और इसके साथ साथ यदि और कोई आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, लाल चकत्ते या कुछ भी है, तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास पहुंच के जांच करा के अपना उपचार करें। मच्छरों से बचें, पानी ना इकट्ठा होने दें अपने आसपास, क्योंकि अब आने वाले समय में जैसे जैसे पानी इकट्ठा होगा, यदि साफ पानी है तो उसमें डेंगू मच्छर के पनपने की संभावना है, और अगर पानी गंदा है तो उसमें साधारण एनाफिलीस कि लार्वा पनपते हैं। यद्यपि हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जितने भी लार्वी साइडल हैं उनका स्प्रे कराएं, संभावित जो भी क्षेत्र हैं उनमें इस फॉगिंग भी कराएं, किंतु फिर भी एक बदलता मौसम है और खान पान में तेज़ गर्मी से खाना ख़राब भी होता है, तो उगड़ा हुआ खाना भी ना खाएं, ज़्यादा देर रखे हुए खाद्य पेय पदार्थ ना ग्रहण करें, और साफ़ सफाई के साथ अपनी सेहत का पूरा समुचित ध्यान रखें। सर, एक सवाल ये है कि जैसा कि आजकल मिशन इंद्रधनुष से कार्यक्रम चल रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, इसमें टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार की शिकायत हो रही है। देखिए, टीकाकरण के बाद बुखार तो एक बहुत ओबियस सी रिएक्शन है, जैसा कि आप परिचित हैं, पहले से भी देखते रहे होंगे कि जो DPT का टीका है, DT जिसमें हम लोग देते हैं, डिप्थीरिया एंड टिटनस का कंपोनेंट है, अगर उसमें पर्टिसिस नहीं भी है, तो इसके बाद इंजेक्शन की जगह दर्द और एक दिन बुखार तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, शुरू से सबको होता है। वो इस बात को इंगित करता है कि आपको इंजेक्शन काम कर रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। जैसे कि पहले हम जब BCG का टीका देते थे तो एक उसमें मटर के दाने के बराबर बाह में स्वेलिंग हो जाती थी, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा समस्त माताओं बहनों से ये अनुरोध है कि यदि आपके बच्चे को टीके के उपरांत बुखार आता है तो बुखार की दवा दी जाती है, और उस जगह आप हल्की सी ठंडे बर्फ़ के टुकड़े से सिकाई भी कर सकते हैं। बच्चा एक दिन इरिटेबल भी रहेगा तो उसे घबराएं ना, उसको दवाई दें तो और आराम हो जाएगा, लेकिन टीका लगवाना ना छोड़ें। टीका बच्चे को विभिन्न घातक बीमारियों से बचाने के लिए बहुत। शुक्रवार को डिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में महिला की मौत की यह घटना डिलारी थाना क्षेत्र के सलारपुर गाँव की है। डिलारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर तिगरी निवासी गजेंद्र की पत्नी शकुंतला आज अपने मायके कल्याणपुर मिलक से टेम्पो द्वारा घर जा रही थी। उसी दौरान डिलारी थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। पहली मृतक कौन है आपकी? भाई बहू। क्या घटना हुई इनके साथ आज? घटना ये अपने मायके से जा रही थी। किस चीज से जा रहे थे? टेम्पो से। फिर क्या हुआ? फिर क्या, टेम्पो पलट गया, एक्सल टूट गया, उसका पहिया गिर गया, पलट गया। तो कहाँ पर पलटा था? सलारपुर। इनकी मौत मौके पर हो गई या अस्पताल में? मौके पर हो गई। कब की घटना है? सुबह 7। शुक्रवार को संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा युवक को गोली मारने की यह घटना धनारी थाना क्षेत्र स्थित भैयापुर गांव की है। दरअसल यहां के रहने वाले नेत्रपाल की जमीन को लेकर गांव के ही भुवनेश से रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते शौच के लिए जा रहे नेत्रपाल को भुवनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। इनके साथ मतलब गोलीबाजी हुई है। कितने गोली मारी? अपोजिट में
क्या नाम है उनके? भुवनेश सनावतर सिंह। क्या क्या रंजिश है आपकी उनसे? पुरानी रंजिश सर, जमीनी विवाद है। तो ये घर पे मारे थे कहीं रास्ते में? नहीं, मतलब ये लैट्रिन करने गए थे, हमारा खेत है, खेत की तरफ लैट्रिन करने गए थे, वहीं ये लोग लग गए। सुबह 6 बजे के बाद, 6:15 के आसपास की बात है। कब की घटना है? आज सुबह की 6:15 बजे। तो थाने में तहरीर दे दी आपने? जी। पुलिस ने पकड़ा किसी को? अभी नहीं पकड़ा है। मौके पर पहुंची थी पुलिस? मौके पर अभी बाद में पहुंची है, जब 100 नंबर पहुंची थी। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पंचायत कार्यालय पहुंची मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख क्षमा परवीन। पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर जिला पंचायत अध्यक्षा शलिता सिंह को सौंपा इस्तीफा। पंडित नगला में खुले में शौच से मुक्ति को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे मुख्य अतिथि। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। पंप मालिकों को हेलमेट के बिना दोपहिया वाहनों को पेट्रोल न देने के दिए निर्देश। लाइन पार में मोदी फैन फेस्ट मेले का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री रहे मुख्य अतिथि।